हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये चटनी बनी है खजूर से। तो इस चटनी को आप अपने फेवरेट स्नैक के साथ, पराठों के साथ या फिर ब्रेड में इस तरीके से लगाकर भी खा सकते हो। तो खजूर एक हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा और भी कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसे आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट शुरू करते हैं खजूर की इस हेल्दी और टेस्टी चटनी को बनाना। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप भर कर खजूर लिए हैं। क्वांटिटी में देखें तो ये 15 से 16 खजूर हैं। तो इस चटनी में खटास के लिए मैंने यहाँ पर ये बिना बीज वाली इमली ली है। तो आप खट्टेपन के लिए अमचूर पाउडर या नींबू के रस का यूज़ इसकी जगह कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इमली को गर्म पानी में भिगो दूँगी। तो इमली को मैंने यहाँ पर इस बोल में डाल दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी ये गर्म पानी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर जो इमली है बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो अगर इस तरीके से हाथ से दबा कर देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये भीग चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे मैं साइड में रख लूँगी। तो खजूर को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो खजूर चाहे पैकेट के हों या बिना पैकेट के, आप उन्हें एक बार वॉश जरूर कर लें क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी लगी रहती है। तो इनके अंदर की गुठली मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। तो सभी खजूर के बीज या गुठली मैंने यहाँ पर निकाल ली है। तो अब हमें यहाँ पर इन्हें ग्राइंड करना है। तो इन्हें मैं डाल दूँगी इस ग्राइंडर जार में। तो इमली को भी मैं यहाँ पर पानी समेत डाल दूंगी। इंश्योर कर लें कि इसमें बीज ना हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 कप के लगभग पानी ताकि सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। तो ढक्कन लगाकर इसे मैंने यहाँ पर फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमें इस पेस्ट को छानना है। तो बोल के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी सारा पेस्ट। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए छानेंगे तो बहुत अच्छे से ये छन जाता है। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा था तो उसी से मैंने यहाँ पर यह 1/2 कप पानी इसमें डाला है। तो कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो छानने के बाद ये जो रेशा बच गया है उसे मैं फेंक दूंगी। तो यहाँ पर ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है खजूर और इमली का। तो इसे मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो अब फटाफट बनाते हैं इसकी चटनी। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहो तो बिना ऑयल के भी इस चटनी को बना सकते हो। तो इसमें मैंने डाल दी है 1 पिंच हींग। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसे मैंने थोड़ी देर तक इस तरीके से कुक कर लिया है। इसका कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पेस्ट जिसे हमने बनाकर तैयार किया था। तो बोल में थोड़ा सा पेस्ट लगा था तो उसी से मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पानी इसमें डाला है। तो बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पानी डालने पर हमें इसे उतना ज़्यादा कुक करना पड़ेगा। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक। इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जीरा और काली मिर्च का मिक्स पाउडर। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सौंठ या जिंजर का पाउडर, इसे डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो लास्ट में मैंने इसमें ये 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। तो अच्छे से यहाँ पर इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1/2 कप कुटा हुआ गुड़। तो खजूर भी काफ़ी मीठे होते हैं इसीलिए गुड़ मैंने यहाँ पर कम डाला है। तो इसे मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक कुक करूंगी। तो 15 मिनट तक कुक करने के बाद जो इस चटनी का कलर है इस तरीके से डार्क हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है और ये थोड़ा थिक हो चुकी है। लेकिन अभी हमें इसे 6 से 7 मिनट तक और कुक करना है क्योंकि हम इसे स्टोर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर अब इस चटनी की कंसिस्टेंसी इस तरीके से गाढ़ी हो गई है, तो इसे चेक करेंगे। स्पैचुला को उल्टा करके इस तरीके से मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से इसमें कोटिंग हो रही है और निशान बन रहे हैं। तो चटनी यहाँ पर परफेक्टली कुक हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर लिया है, तो इसे मैं ठंडा होने दूंगी। तो कम्प्लीटली ठंडी होने के बाद अब मैं यहाँ पर इस चटनी को इस साफ और सूखी एयर टाइट बोतल में फिल कर रही हूँ। तो आप इस चटनी को आराम से 2 से 3 महीने या इससे ज़्यादा दिन तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ढक्कन लगाकर इसे मैंने यहाँ पर टाइटली बंद कर लिया है। तो बाजार के जैम में काफ़ी चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसीलिए इसे आप इस तरीके से भी बच्चों को दे सकते हो, वो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की ये हेल्दी और टेस्टी खजूर की चटनी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।